ये जो धारा 370 का मामला है, ये बहुत पुराना मुद्दा है और आज़ादी के बाद बहुत सारे स्वाधीनता सेनानी थे जो ये नहीं चाहते थे कि धारा 370 रहे। मैं इस समय पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, व्यक्ति के रूप में मेरी राजनीतिक दीक्षा जिस स्वाधीनता सेनानी के नेतृत्व में हुई, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, वो शुरू से ही धारा 370 के विरुद्ध बात किया करते थे और हम लोग सब उस समय छात्र और युवा आंदोलनों में इसकी बात किया करते थे। तो जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत विचार है, उसके हिसाब से यह एक राष्ट्रीय संतोष की बात है। एक भूल जो आज़ादी के समय हुई थी, उस भूल को देर से ही सही सुधारा गया और ये स्वागत योग्य है। आज राज्यसभा में पास हुआ है, कल लोकसभा में पास होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है और मैं समझता हूँ कि व्यापक रूप से पूरे देश को ये अच्छा लगा होगा।